आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, ये जो लंबी कतार आपको दिख पा रही होगी, ये अभी बैकुंठपुर में हम हैं, गोपालगंज के बैकुंठपुर में। और एक ही गांव के 5 लोग रात को न्योता में जाते हैं, और न्योता में जाने के क्रम में, जब लौटते क्रम में, उनकी जो गाड़ी है वो खाई में गिर जाती है। और खाई में गिरने के बाद लगभग 11 बजे का ये घटना है। 5 लोग सवार थे, 6 लोग उसमें से सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति का जान बचा है। बाकी 5 लोग जो है इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, और उन्हीं का अंतिम विदाई यानी बारात निकली हुई है। और लंबा कतार आप देख पा रहे होंगे गाड़ियों का, चाहे लोगों का, जनसंख्या देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं। और जिस गांव में, आप सोचिए कि एक साथ में 5 बारात निकली हो अंतिम विदाई के लिए, उस गांव में का माहौल क्या होगा। पूरे गांव में मातम सा फैल गया है। और ये लंबा कतार, मतलब इधर आप 500 मीटर इधर देख लीजिए और 500 मीटर इधर आपको दिखाते हैं। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। सभी लोगों से निवेदन है, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि साउंड आ रहा है कि नहीं, आवाज़ आ रहा है कि नहीं। और जहाँ तक आपको दिखाएंगे, देखिए लंबी कतार है, गाड़ियों की लंबी कतार है, लोगों का लंबी कतार है, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, और सारा चीज़ जो है व्यवस्था कर लिया गया है। और इस गाड़ी पे भी आप देखिए, इस गाड़ी पे भी लकड़ी जो है लादा हुआ है, और एक ट्रैक्टर पे नहीं, 2-3 ट्रैक्टरों पर लकड़ी लादा गया है, क्योंकि एक साथ 5 बारात का निकलना अंतिम विदाई का, ये पूरे मातम का फैल जाना पूरे गाँव में बहुत ही दुखद घटना है। और जिन लोगों ने इस घटने को देखा है, देखिए हमारे मंतोष भाई भी आए हैं, और मंतोष भाई सबके चेहरे पे मतलब कहीं ना कहीं मायूसी छाई हुई है। जितना लोग जुड़ा है, कृपया एक एक शेयर करते जाए और बताते जाइए कि क्या साउंड आ रही है कि नहीं। देखिए बहुत सारे लोग जो है उस जो बांध है आप देख पा रहे होंगे, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बांध पे भी बहुत सारे लोग हैं, वहाँ रुके हुए हैं, बांध पे भी लोग रुके हुए हैं। और इसके अलावा जो तमाम गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सभी जो लोग भी इस घटने को सुना, वो लोग आए हुए हैं देखने के लिए और अंतिम विदाई देने के लिए। तो आपको हम और आगे की भी अपडेट, और इस परिवार से भी मिलके बात आपको बताते हैं, दिखाते हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि क्या हुआ है भैया, तो एक बार आप लोग को बता दे कि कल रात में वो लोग नेवता यानी का जो उनका एक व्यक्ति थे, उनका ससुर जी का ना चली चली उनका परिवार का श्राद्ध था, और श्राद्ध क्रम कार्यक्रम में वो गए हुए थे। और जाने के क्रम में जो होता ये है कि उस परिवार में से वो लोग नेवता उवता करके रात को 11 बजे वापस लौटते हैं, और 11 बजे के आने के क्रम में कुदरिया गांव में, चक्का टूट जाता है। करण कुदरिया गांव में जो स्कॉर्पियो का है, चक्का टूट जाता है, और स्कॉर्पियो जो है अनियंत्रित होकर जाके खाई में, यानी 20 फीट खाई में जाके गिर जाती है। और गिरने के बाद 6 लोग सवार थे उस पे, केवल एक पर्सन बचे हैं, और बाकी 5 लोगों की एक्सपोर्ट डेथ हो जाती है। और सुबह जब ये खबर पूरे इलाके में, पूरे जिले में फैलता है, तो सभी के चेहरे पे मासूमियत छा जाती है। क्यों नहीं छाएगी, क्योंकि एक गांव के, एक घर के आसपास के लोग, और एक साथ 5 लोगों का इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, और मैं दिखाने का प्रयास भी करूंगा आपको। काफ़ी लंबी लाइन है, और ये दियरा का क्षेत्र है, ये दियरा का क्षेत्र है, हम लोग अभी दियरा में हैं। और अब जुड़े रहिए और एक एक शेयर करते रहिए, बहुत ही दुखद घटना है। जो लोग भी इस घटने को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो आ रहे हैं परिवार के साथ खड़ा हो रहे हैं। और आपका भी इस परिवार को लेकर क्या कहना है, कृपया एक एक बताते जाइए और शेयर करते जाइए। जो लोग भी हैं, कृपया उनसे निवेदन है। और ये कुदरत का कहर बरसा है इस परिवार के ऊपर,
और इनकी जो अंतिम विदाई यानी जो बारात निकली है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब हजारों की संख्या में लोग हैं। और चलो आगे हम आपको दिखाते हैं, ये देरा का क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ गन्ना का फसल है और बीच में ये जो रोड है जो कि कच्ची रोड है, ये कच्ची रोड है और बहुत ही दुखद घटना है इस परिवार के लिए। अब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सभी लोग जो हैं, सभी के चेहरे पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जुड़े हैं। सुधीर नीतीश शर्मा जी हैं, नीतीश जी इस परिवार के बारे में क्या कहिएगा, एक परिवार के आसपास के जो लोग हैं एक साथ स्कॉर्पियो में आ रहे थे और अचानक स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो का अगला चक्का क्रैक होता है और क्रेक होने के बाद स्कॉर्पियो जाके 20 फीट नहर के अंदर गिर जाती है, जो मेन नहर है, जो गंडक नहर है मेन, जो कि आपको उत्तर प्रदेश यानी नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के बहुत सारे गोपालगंज इलाका, तुरकहाँ इलाका होते हुए काला विशुनपुरा होते हुए वो नहर जो है सीधे आपको छपरा तक चला जाएगा और उसी नहर में ये जो घटना है, करण कुदरिया गांव है ना वो, हाँ करण कुदरिया गांव में ये घटना हो जाता है, मतलब लगभग घर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ये घटना हो जाती है। और रात को 11 बज रहा था और 11 बजे ये जब घटना होती है तो सभी को नहीं पता हो पाता है, लेकिन जब जैसे ही लोग सुबह में जानते हैं बहुत ही दुखद घटना है। जितना इस घटने के बारे में ईश्वर अल्लाह से कहा जाए, हैं ये सावन के पावन महीने में और अभी लगातार हिंदू धर्म का त्योहार भी है, देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग जहां से सुन रहे हैं, देखिए ये माता जी लोग है, ये लोग भी इस घटने को सुनने के बाद सभी लोग देखने के लिए आए हैं। अभी दूर जाना है क्या? इतना दूर और आप देख पा रहे होंगे काफी लंबा रास्ता है और जो अंतिम विदाई उस परिवार को दी जाएगी बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल धीरज जी लिख रहे हैं कि सोनवलिया, बिल्कुल सोनवलिया ये गांव है, ये गांव का नाम सोनवलिया है, ये गोपालगंज जिले बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ये, और बैकुंठपुर ही ब्लॉक है इसका, बैकुंठपुर थाना भी है जहाँ से माननीय विधायक प्रेम शंकर जी हैं यहाँ के विधायक, उन्होंने भी अपने फेसबुक आईडी से इसको पोस्ट किया। उसके बाद मिथिलेश तिवारी हैं जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं और भाजपा के महामंत्री हैं, उन्होंने भी इस घटने को लेकर फेसबुक आईडी से अपने आते हैं और आने के बाद दुख प्रकट करते हैं। और मतलब जितना लोगों ने इस घटने को देखा सुना, सभी लोगों ने दुख व्यतीत किया और परिवार का सांत्वना देने का, हालांकि छपरा प्रशासन भी इस पे अपना जो सारण पर पुलिस का जो वेबसाइट है उस पे भी वो सारा चीज़ और पूरा नाम और एड्रेस के साथ पोस्ट किया है,
गांव का नाम सुनवलिया है, धीरज जी हैं जो कि लगातार लिख रहे हैं, मोनू मिश्रा है, नगेंद्र यादव जी हैं। मैं बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ। राणा प्रताप जी हैं, दुखद लिख रहे हैं। मैं एक बार आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो घटना है सनवलिया गांव का है, जो बैकुंठपुर क्षेत्र में आता है, यानी कि गोपालगंज जिले में। होता यह है कि रात को ससुराल से ससुर जी की डेथ हुई थी, तो उसी में से श्राद्ध का न्योता करके वापस लौट रहे थे। हाँ, कजिया का न्योता था और एक परिवार के 6 लोग उस स्कॉर्पियो में सवार थे। और आने के बाद रात को 11 बजे होता ये हुआ है ना, निकल जाए लोग दूर पर। हाँ, रात को 11 बजे होता ये है कि जो स्कॉर्पियो का आगे वाला जो चक्का है नहर पे, ये लोग नहर से आ रहे थे, जो नहर है जो कि राजोपट्टी से लेके गोपालगंज का जो रोड है जो जाता है, उस नहर पे ही ये जो दुर्घटना है हो जाता है, करण कुदरिया गांव में। और स्कॉर्पियो जो है जाके खाई में गिर जाती है। जब खाई में गिरती है तो महज एक व्यक्ति का जान बचाया जाता है, बाकी 5 लोगों का दुखद अंत हो जाता है। और जब ये खबर आती है तो पूरा परिवार में दुखों का पहाड़ टूट जाता है, पूरे पंचायत में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। और सोचिए जरा, क्यों नहीं टूटेगा कि एक, आइए ना इधर से भी, ठीक है, एक ही परिवार के अगर 5 लोगों का इस तरह से देखिए, काफ़ी लोग हैं और तमाम लोग हैं जो लोग भी इस घटने को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, अपना शोक प्रकट कर रहे हैं। जितने लोगों ने इस घटने को देखा जहाँ से, तो एक बार आप लोग से निवेदन है कि कृपया इस पोस्ट को शेयर कर दीजिए। ठीक है भैया, तमाम लोग जो हैं खुश हुए हैं और ये भी उन लोगों का अंतिम विदाई दी जाएगी। और देखिए गाड़ियों का संख्या जो है, ये गाड़ियों का संख्या जो है आप देख पा रहे होंगे, पानी में गाड़ी के ऊपर हाथ ना, पानी में नीचे ही लोग। गाड़ी सीधे खाई में गिर गई है नहर। हाँ, जैसे हाई रोड में जो जा रहा बनी, हाई रोड तो वहीं से बरसात का पहुँच पट के बहल बा, लेकिन ना दुनिया में बहुत ही दुखद घटना है। और इस बताया जा रहा है, देख पा रहे होंगे कितने लोग हैं, सभी लोगों के चेहरे पे मायूसी है। कितने लोग सुन रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं और परिवार के साथ सभी लोग खड़े हैं। आगे आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, अरे तो बाइक है ना, सब सभी लोगों से निवेदन है कृपया एक एक वीडियो को शेयर करते जाओ। और इस परिवार के बारे में आपका क्या कहना है, ईश्वर से क्या कहना चाहिएगा, अल्लाह से क्या कहना चाहिएगा, कमेंट में लिखते जाइए। इस परिवार के दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
आगवा से दहिने का लोप है न्यू टिया लगला थी मनोरंजन तन करिए लगा लनु अरे भाई ये लस नहीं जाना बड़ा अरे दीना चिलाइल बड़ा लोग आइल बा तो दीना फकाइल बड़ा तो दीना फकाइल उनका पता नहीं दीना फकाइल बड़ा तो गड़िया का उगड़वा खाना तो बोल अटक मतलब जगह खड़ा होकर सुन लीजा पानी हटा लो बा चिला तरह तो होता देखने का सुन देर को सुन तो ट्राई कर ले बाद जाके इनका जब प्रोफेसर चेक करके दान करके छूट लिया क्या था ये बड़ा कूड़ में नहीं कौन कहा जो मुखिया जी के चाचा वाले हैं पदमपुर के जो आदि बुझे हाँ बुझा गल की सब लोग खत्म देख पा रहे होंगे जो गाड़ी है जैसे चाचा बता रहे थे कि जो गाड़ी है गाड़ी जाके खाई में गिर जाती है और गिरने के बाद गाड़ी जो है खाई में गिर जाती है और गिरने के बाद जो लोग हैं मतलब 9-10 बजे कादू गाड़ी गिरती है जैसे लोग बता रहे हैं लोग जानते हैं 11 बजे मतलब कि कहीं ना कहीं 2 घंटा के बाद लोग जानते हैं कि ये सा इसमें 5 लोग अंदर हैं एक व्यक्ति जो है फेंका जाते हैं और फेंकाने के बाद महज एक व्यक्ति को ही बाहर आ पाते हैं और बाकी जो 5 लोग हैं उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है और दुखद उनकी मृत्यु हो जाती है और इस घटने को जो लोग भी सुनते हैं देखते हैं और देखने के बाद आते हैं तो सब के चेहरे पे मायूसी छा जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमीदपुर पंचायत के जो मुखिया हैं उनके चाचा भी इसमें रहते हैं देखिए जहाँ तक आपको नजर जाएगी सभी लोगों के चेहरे पे सुनवलिया सुनवलिया जिसमें ये नाहर में
छह आदमी थे कैसे काबिल चाचा कहाँ गए रहे छह आदमी कहाँ गया था छह आदमी बगहा कौन बगहा खोड़ी पा कर मरमलिया कर रहे हैं। अच्छा हाँ आलोक भाई ये जगह है सनवलिया बैकुंठपुर का सनवलिया का ये मामला है। आलोक भाई हैं जो कि जुड़े हुए हैं नहीं दे रहा था लेकिन क्या कहिएगा जो ड्राइवर कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ बताइए। चाचा कहाँ से आ रहे थे कहाँ गए थे लोग गए थे कजिया में गाड़ी गड्ढा में गिरी चक्का टूट गया अंतिम संस्कार यहाँ पे बांध में गाड़ी डूब गई उसमें से एक आदमी का जान बचा हुआ है। उसे आपको मिलवा है। अच्छा बाकी लोगों का डेट कब की घटना है सवा नौ बजे छह नौ बजे गाड़ी गिरी है लोग जाना कितने बजे दस से साढ़े दस बजे गाँव को एक तरह से कहा जाए तो रात का मामला रहे माहौल है आप सभी इधर देख सकते हैं सभी गाड़ियां यहां पे लगी हुई है और यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे करते हैं। क्या नाम पड़ी रहे रामा जी के क्या बोल नौ बजे सवा नौ बजे गाड़ी गिरी हुए गिरुए नाहर एक आदमी पाँच लोगों के हुए ड्राइवर ड्राइवर पसेंजरे हुए अच्छा ड्राइवर समेत मर गए एक बाद वह आके गाँव में कहूँ आई गोयल कहाँ रहे लोग यहाँ का लोग बगहा जग रहे उनका ससुर में गोल दिनेश सिंह के ससुर अच्छा अच्छा वही में सब गोयल हुए उन्हें से लौटाने नौ बजे रात 24 तारीख के शाम के नौ बजे रात में नेगानी से का यहाँ लोग के नाम रहा जी बोल है ना नमो बताई ना दिनेश सिंह के नमो तो जानते हैं जाना साहब जी हम एगो लड़को लड़का बड़े सूरज प्रसाद ड्राइवर अच्छा वो तो बाँचल बड़े ना उम्र गल जो बाँचल बा ओकर का नाम दीनानाथ राय वे आके बताऊँ पाँच आदमी के पूरा मौत हो गई बा तीन आदमी सुनवलिया गाँव के अच्छा और दू आदमी पदमपुर है वो एक डेरवा के ड्राइवर एक डेरवा के आ पदमपुर के हलवाई है माहौल हुए भाई तो इस तरह से यहाँ पे किस तरह से है पूरी दुखद घटना गाँव सुरवलिया गाँव जो तीन फुट पंचायत और पूरे गाँव में मातम मचा हुआ है पकड़िए तो इसको खान जी दिखाते रहिए बता दीजिए इसके बारे में बहुत ही दुखद घटना है बहुत ही दुखद बहुत ही निंदनीय घटना यही चक्की
खा लोग लिख रहे हैं यार, यार राहुल भाई लिख रहे हैं कि यार यार बताओ ना क्या हुआ। ये है कि भैया रात को 9-10 बजे करीब में ये लोग गए थे अपने ससुराल न्योता करने, और न्योता करके कजिया में वापस लौट रहे थे। तो अचानक जो है स्कॉर्पियो है वह जाके जो गंडक नहर है जो कि नेपाल से होते हुए कुशी, मतलब ये उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका पकड़ते हुए गोपालगंज होते हुए सीधे ये चला जाएगा आपका छपरा की तरफ। उस नहर में होता यह है कि अचानक जो 6 लोग सवार थे स्कॉर्पियो में, और वो स्कॉर्पियो जो है 20 फीट नीचे खाई यानी पानी में गिर जाती है, और नहर में पूरा पानी है जिसके वजह से पूरा पानी गाड़ी में भर जाता है। और भरने के वजह से एक चाचा बता रहे थे पानी भरने के बाद एक व्यक्ति जो है बाहर फेंका जाते हैं, बाकी 5 लोग उसी गाड़ी में सवार रहते हैं। और ये घटना 9:30-9:10 बजे करीब है, लेकिन लोगों को पता चलता है 11 बजे। उसी क्रम में जो गेट है लॉक रहता है और पूरी लोग पानी में रहते हैं, और इसमें होता क्या है कि किसी लोगों का दम फूल गया हो या कारण किसी कारण बस मतलब उनकी जान चली जाती है। महज एक व्यक्ति है जो कि बाहर फेंका जाने के बाद उनकी जान बच जाती। जैसे ही ये खबर पूरे आग की तरफ फैलती है इलाके में, तो तमाम लोग देख सकते हैं जनसैलाब उमड़ा हुआ है और उस परिवार के साथ खड़ा है, और उस परिवार को दुख में खड़ा है। और उसके बाद ये खबर जैसे ही इलाके में फैलती है तो मतलब पूरा लोग जहाँ से जो लोग हैं वो आते हैं इस घटना को लेकर। चाचा से पूछिए ना कैसे क्या हुआ, चाचा कैसे कहा भिलवा कैसे क्या हुआ है बताइए। रात में तो लमसम 9:30 बजे के आसपास में एक बार खबर आया कि गाड़ी एक्सीडेंट, चक्का उसका जो है ना चक्का वो टूट गया है। चक्का टूट गया, अच्छा। तो गाड़ी गड्ढे में जब गिरी है, जब झटका मारी है, उस टाइम मतलब उसका चक्का जो निकल गया गाड़ी वहीं पे पलटी मार दी है, 3 पलटी मारी थी। अच्छा, पहले पलटी मारी है तब जाकर ना टूटने के बाद, अच्छा हाँ चक्का टूटने के बाद 3 पलटी मारी है बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या होता है, गाड़ी पलट गई, उसमें आदमी बोल रहे, एक आदमी मतलब मुश्किल से निकल पाए, वो भी छत पे जाकर खड़ा हुए चिल्लाए, लोग सुने आवाज उनके, लोग आए वहाँ पे। कब की घटना है लमसम? 9-10 बजे का रात। आप लोगों को पता चलता है? हमारे को तो सुबह पता चलता है। सुबह पता चलता है।
एक व्यक्ति जो बच गया है उनसे भी हम बात करेंगे और आपको बात कराने की कोशिश करेंगे। और ये जो घटना है, लोग पूछ रहे हैं कहाँ का है, तो ये सोनवलिया गांव है जो कि गोपालगंज जिला अंतर्गत आता है और थाना बैकुंठपुर हुआ और विधानसभा भी बैकुंठपुर ही हुआ और पंचायत जो है हमीदपुर पंचायत के मुखिया जो है प्रशांत सिंह, उनकी माता जी शायद मुखिया है, हाँ निर्मला देवी जी मुखिया है उनके, मतलब प्रशांत जी के चाचा भी इसमें है, चाचा भी उसमें मतलब इसमें शामिल है इस घटने में। और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग जन सैलाब की तरह मतलब पहुंचते हैं, दिखाइए ये जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे, लाखों के संख्या में लोग हैं, लाख तो नहीं कहेंगे लेकिन हजारों की संख्या में लोग हैं। और जहां से लोग सुने हैं, हालांकि इस खबर जो है सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग में है, तो ये जो खबर है काफी दुखद खबर है और इस खबर को जिस लोगों ने भी सुना तो अपना दुख प्रकट किया और सभी लोग यही कह रहे हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये कहीं ना कहीं कुदरत का कहर बरसा इस परिवार के ऊपर, तो इधर भी दिखाइए, जो लोग जहां से सुने हैं इस खबर को, मतलब आसपास के 10 किलोमीटर के रेंज में जितने लोग हैं वो सभी लोग आए हैं इस घटने को देखने के लिए। कुछ और लोगों से, भाई साहब लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे घटना का मोबाइल इधर दिखाओ यार, ये बात कर रहा हूँ उनसे। दिनेश सिंह है, उनके ससुर का श्राद्ध था, वहीं वो लोग गए थे श्राद्ध क्रम में, वहां से वापसी टाइम में वो लोग चले ये नहर वाला रोड पकड़ करके करण कुदरिया के सामने, उनका अनबैलेंस गाड़ी हुआ है, जैसे भी वो कोई देखा तो नहीं है, चक्का टूटा है, लेकिन पहले चक्का, हाँ चक्का टूटा है, इसमें से एक आदमी बचा हुआ है जो बीच में बैठे थे, दीना राय हाँ वो गम्हारी के है, वो गम्हारी के, जी जी वो गम्हारी के है, वही 2 घंटे तक चिल्लाए हैं, वो कैसे बचे है उनको भी पता नहीं है, वो बीच में बैठे थे, वो निकल गए, कैसे निकले वो भी उनको पता नहीं है। दूसरे नंबर गेट बंदे था, पूरा लॉक था गाड़ी, वो ऊपर छत पे चढ़ गए, खड़ा हो गए, चिल्लाए हैं 1 घंटा तक, कोई सुना नहीं है, कोई नहीं सुना है, घर थोड़ा दूरी है, खाया लेकिन दूरी है, कोई औरत सुनी है, उसके बाद 2-4-5 लोग इकट्ठा की, उसके बाद वो आई लेकर गए, 10 बजे करीब है, 10 बजे के, हाँ 10:30 के आसपास तो खबर आ गया था, 9 बजे करीब में डूबा हुआ गाड़ी यही होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो लोग जो डेथ किया है और सब लोग एक ही पास के हैं, तीन आदमी एक पास के हैं, एक आदमी करण कुदरिया के हैं, एक आदमी एक डेरवा के, वो वहीं पे डेरवा का कुदरिया ही छोड़ने जा रहा था लोगों को, हाँ जी जी उनके घर पे छोड़ने जा रहा था, 5 आदमी बहुत जिगरी दोस्त। अच्छा ये सब लोग सर्किल में थे सब लोग, देखिए ये 5 लोग दोस्त थे और देखिए कुदरत का कहीं ना कहीं कहर बरसा है, तो 5 दोस्तों को एक साथ ही भगवान ऊपर लेकर चले जाते, ये लोग एक ही साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, सब कुछ एक ही साथ करते थे, पीने का मतलब पानी पीते थे और कुछ नहीं, गलत मत समझिएगा, कहने का मतलब लोग कहते हैं कि खाते पीते एक साथ हैं, तो ये सारा चीज एक ही साथ वो लोग करते थे। और कुदरत का कहर यानी ईश्वर अल्लाह का कहर, भगवान का कहर, अच्छा यही बांच क्या है, ये चाचा जो है ये भी उसी में सवार, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? आप लोग कितने बजे से वहाँ से निकले? 9 बजे। 9 बजे जी। कैसे क्या हुआ? 9 बजे सुबह हम लोग आए, एक परमोर का मिस्त्री था उसमें, उसके घर पहुंचाने जा रहे थे, उसको छोड़ने जा रहे थे, खाना बनाने गया था। उसी समय एक पुल था, वहाँ से हम लोग कहे कि हम यहीं से घूम जाए, तो बोला कि नहीं इसमें कच्ची है, फिर आगे बढ़िए, आगे से घूमते हैं तो राज रोड सही है, अब बस यहाँ से 2-3 लगी आगे बढ़े तो लेके गड्ढा था, उसमें चाका पड़ा, चाका टूट के फेंका गया, गाड़ी तेज में ना सोलो में था,
और गाड़ा में पुरान गाड़ी था, 13 मॉडल गाड़ी है। गाड़ा था, बड़ा गाड़ा है, वो पीछ के में पानी बहुत गाड़ा बन गया था, उसी में चाका टूट कर बिगा गया, चाका टूट के बिगा गया, गाड़ी पलटी मारने लगी। दो पलटी मारा तब तक हम जानते हैं कि गाड़ी हम लोग पलट रही है। तीसरा पलटी में गाड़ी जाकर पानी में सीधा हो गई, तब तक हम लोग सब साथ में है, किसी का देह में देह दिखता है पानी में हाथ मिलता है। उस समय तक हम जानते हैं कि हम लोग मर गए, गाड़ी वगैरह पलटी खा गई। गेट खोलने के प्रयास, गेट नहीं, गेट कोई गाड़ी गेट नहीं खुला है, शीशा खुला था, गेट नहीं खुला था। आप किस तरह से निकल? अब हम नहीं जानते हैं कि हम किस तरह निकल गए, उसमें नर्भर से हम निकल गए हैं। निकल कर हम उस गाड़ी को ऊपर नहीं छोड़े हैं, उस गाड़ी को पकड़ कर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, छत पर चढ़ के खड़ा हुआ था हम ना, हमको इतना पानी हो गया। उस समय हम चिल्लाने लगे, भाई गांव वाला कोई हो तो हम आइए, हम लोग गाड़ी डूब गया है, बचाइए बचाइए। मगर बहुत एक घंटा का बाद वो लोग आया तो हमको रास्ता फेंका, हम रास्ता पकड़ कर बाहर आ गए। पानी ज्यादा था। देखिए चाचा जो बचे हैं बहुत किस्मत से बचे हैं, इनको भी तैरने नहीं आता। सबसे बड़ी बात है कि इनको भी तैरने नहीं आता है, और इनको बाकी लोगों को तैरने आता था। बाकी लोगों को तैरने आता था। अच्छा, जिनको तैरने आता था वो लोग डूब गए हैं। सब आदमी तैरने वाला था, हम नहीं तैरते, थोड़ा हम थोड़ा मोड़। ये कहीं ना कहीं चमत्कार ही माना जाएगा। और देखिए कि जो लोग तैरने वाले थे वो लोगों की जान चली गई है, जो तैरने वाला नहीं है वो बच गए हैं। मतलब ये चाचा जो आपको कैमरे में नजर आ रहे होंगे, इनको तैरने नहीं आता था। ये बाल बाल, मतलब बाल बाल क्या मतलब, मौत को सामने देखकर बचे हैं। और अपने दोस्तों को, सब लोग आप लोग दोस्त थे? जी, कहाँ कहाँ पे हैं? एक पनवलिया का 3 आदमी है, एक डेनवा का 1 आदमी है, एक पदमावल का है, 5 आदमी है। हम गम्हारी का एक अकेला था, छठा आदमी घर में, छठा आदमी। ससुराल किसका था? ससुराल दिनेश सिंह का था, सोनवलिया में घर है उनका। मुखिया जी के चाचा जी? जी, उनका था जी, उनकी ससुराल था। आप लोग सभी लोग गए थे? हाँ, हम लोग सब गए थे उसका साथ में। ठीक है चाचा, फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है, जाए रुबा। तो आप चाचा की जुबानी सुने, जिनको तैरने नहीं आता, और ये भगवान का कुदरत का कहर है कि ये किसी तरह से अंदर से निकलते हैं। मतलब ये केवल बच पाते हैं, बाकी 5 लोग जिनको तैरने आता था। अब सोचिए, सोचिए चाचा कि जेकरा पौड़े न क्या हो तू बांच गई बा, जेकरा जो जिसको पौड़ने नहीं आता वो बचा है, जो पौड़ने वाला है। ये बहुत बड़ा कुदरत का देन है। और ये एक और बात है कि जो हमारे दिनेश भैया थे, गरीबों के मसीहा थे, उनके चले जाने से बहुत बड़ा क्षति हुई है, उसके आज तक हम उसके भरपाई नहीं कर सकते। ये बोलते बोलते चाचा के आंखों में आंसू आ गए। क्या नाम हुआ? प्रमोद प्रसाद पांडे। पांडे जी, जी। दिनेश जी बहुत बढ़िया, गरीबों के जो भी उस एक बार हम लोग के यहाँ बाढ़ आया था तो कौन, हाँ बहुत पहले, कौन था जो अपने हाथों से खाना बनाकर जितने लोग बाढ़ पीड़ित थे उनको अपने हाथों से उन्होंने खाना बनाया था, मुझे आज वो याद है। आज उनके चले जाने से आज देखिए बहुत बड़ा यह हमीदपुर पंचायत में दुख का लहर है और क्षतिपूर्ति है, आज तक हम भरपाई नहीं किया जा सकता। कितने लड़के हैं दिनेश? 3 है। शादी हो गया? हाँ, शादी हो गया है सभी लोग। दिनेश जी का उम्र कितना? लमसम माने आपके उम्र? हाँ, हमसे ज्यादा बड़े भाई के समान थे। 50 पाउंड। ये सब जितने पर पट्टी देख रहे हैं उन्हीं का, उन्हीं का बथान का नाम से यहाँ पे मतलब लोग जानते हैं। दिनेश जी के जी, यही उनका बथान है। यहाँ समझिए, कोई रहता भी था कि ऐसे ही बना, रहते भी थे, नहीं रहते थे, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब समझिए कि देर का स्थान मतलब खत्म हो गया, वो चीज रह नहीं गया। एक यहाँ पर चापा कल, चापा कल अभी है, होता अभी है, प्यास लगता था ना तो यहाँ पर लोग आके पानी पी के जाते थे। अभी है कि जिस इलाके में अभी हम लोग हैं 2-3 किलोमीटर, ना इधर घर है ना इधर घर है, क्योंकि ये दियरा का क्षेत्र है। जब भी गंडक नदी उफान पे रहती है तो यहाँ पानी रहता है।
हाँ ये पूरा पानी मतलब जलमग्न हो जाता है। वो याद करिएगा 2017 का बाढ़ या 2020 का जो भयानक बाढ़ जो हमीरपुर में भी बाढ़ टूटा हुआ था, केतपुरा में भी टूटा, मतलब गोपालगंज में 7 जगहों पे बाढ़ टूटा हुआ था, 7 जगहों पे बाढ़ टूटा हुआ था और इस जगह पे भी बाढ़ टूटा हुआ था। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं आप दिखाइए, वो बिजली का खम्भा भी डूब चुका था, इतना पानी था। और ये जो बाढ़ क्षेत्र मतलब बाढ़ का क्षेत्र वाला इलाका है और इसी क्षेत्र में है हम हैं और तमाम लोग जो हैं ये पहुँचे हुए, जनसलाब है जो दिनेश जी के और उनके जो साथी थे 5 लोग, उनकी अंतिम विदाई में सारा लोग पहुँचा हुआ है। तो इस घटने को लेकर मतलब जितना निंदा किया जाए, मतलब जितना भगवान से कहा जाए तो कह नहीं सकते कि भगवान को आखिर क्या मंजूर था कि एक स्कॉर्पियो में 6 लोग सवार होते हैं और 6 में से एक व्यक्ति जिनकी जुबानी हमने आपको सुनाने का प्रयास किया कि कैसे वो उनकी जान बची, बाकी 5 लोग जिनको तैरने आता था, सबसे बड़ा भगवान से ये सवाल है, सवाल हम किसी और से नहीं पूछ सकते। लेकिन सवाल एक और है, मेरा एक सवाल है, लापरवाही हुआ है, लापरवाही किससे हुआ है, तो जो गंडक नहर पे जो रोड है वो जगह जगह पे टूटा हुआ है, इस बात को भी नहीं टाला जा सकता, जगह जगह पे टूटा हुआ है और वो रिपेयर नहीं किया जाता है। ये भी सवाल बनता है कि वो जो रोड जो है उसको मतलब तोड़ दिया गया है, टूट जाता है जो बरसात की वजह से टूट जाता है और उसको भरना उड़ना चाहिए, कुछ नहीं भरा जाता, वैसे ही है गड्ढा होते जाता है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। अब जब इस तरह से घटना होगी तो थोड़ा सा चर्चा होगा, जैसे हमने आज मेरे दिमाग में ये चीज आया तो हमने सवाल किया। निकाल के कवर निकालिए तो फोन का ऐसे करके निकालो यार। तो सबसे बड़ा सवाल जो भी गंडक नहर है उसके जो भी मतलब वो पीच हुआ है उस पर भी सवाल उठता है, जो गड्ढा हो जाता है उसको भरा क्यों नहीं जाता है, और रात को 9-10 बजे ये लोग आते हैं और उस गड्ढे में गाड़ी गिर जाती है और गिरने के बाद जो चक्का है दोनों आगे का चक्का टूट जाता है, एक चक्का टूट जाता है आगे वाला और टूटने के बाद गाड़ी पलटी मारने लगती है, 2 पलटी मारती है, जैसे तीसरे पलटी में गाड़ी जो है जाके 20 फीट नीचे खाई में यानी नहर में गिर जाती है, जो गंडक नहर है उसमें गिर जाती है गाड़ी। गिरने के बाद एक चाचा जो है बाहर पता ना कैसे निकल जाते हैं, उनको खुद पता नहीं है, जैसे हमने बात किया तो वो बताए खुद कि हमको खुद पता नहीं है कि हम कैसे बाहर निकले हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। बाकी जो 5 लोग रहते हैं, देखिए एक चीख पुकार शुरू हो गया, एक माता जी है जो उनकी बहन वहन है, हाँ बहन है, दिनेश जी की बहन है और वो अपने भाई के अंतिम विदाई देखने के लिए आई हुई है, जहाँ उनको अंतिम विदाई दिया जा रहा है। और ये जो जमीन जहाँ हम खड़े हैं सब उन्हीं का जमीन है, जहाँ तक आपका नजर जाएगा ये सब उन्हीं का जमीन है। तो एक जगह पे 5-5 लोगों का जान जाना जाना, जैसे ही खबर ये पूरे क्षेत्रवासियों तक पहुँचती है सुबह में, हालांकि रात में बहुत कम लोग जान पाते हैं, जैसे ही सुबह में खबर आती है पूरा मातम से फैल जाता है। उसके बाद बैकुंठपुर का विधायक को ले ले हम, प्रेम शंकर जी, वो भी अपने फेसबुक से पोस्ट करते हैं, उसके बाद मिथिलेश तिवारी जी भी पोस्ट करते हैं, मंजीत सिंह भी पोस्ट करते हैं, जितने लोग इस घटना को, दिलीप सिंह भी पोस्ट करते हैं जो कि आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज का, वो भी पोस्ट करते हैं। इसके साथ में सोशल मीडिया पर ये चला मतलब ये फोटो जो है वायरल होने लगता है। तो इतनी बड़ी घटना, जिस घटने को मतलब भरपाई, और वो जो दिनेश सिंह जो इंसान थे, जैसे लोग कह रहे थे कि भगवान के रूप थे, वो गरीबों के मसीहा थे। जब 2020 में बाढ़ आया था जहां हम खड़े थे, ये पूरा जलमग्न था, उसके बाद आसपास के जो लोग थे वो दह चुके थे, बहुत सारे लोगों का घर कट चुका था, तो उसमें जो दिनेश जी का भूमिका था बहुत बड़ा भूमिका था। दिनेश जी ने खाना बनाकर अपने से लोगों से हाँ अपने हाथों से खाना बनाते थे और बनाने के बाद बाढ़ पीड़ितों को खिलाया करते थे। तो उसको लेकर ये चाचा पांडे जी, क्या नाम है, कौन पांडे, प्रमोद प्रसाद पांडे, प्रमोद प्रसाद पांडे जी बता रहे थे ये सारा चीज, हमने तो देखा नहीं है लेकिन ये चाचा बता रहे थे। कुछ और लोग इनसे भी बात करते हैं, कहाँ से हैं चाचा जी? मैं सनवलिया से हूँ। सनवलिया जी, हादसा तो मैं देखा नहीं हूँ, सुबह सुनने को मिला है। कुल मिला के है बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे हमीरपुर पंचायत की, जो कि दिनेश सिंह जो है बहुत बड़े
समाज सेवी थे और किसी को पर कोई दिक्कत आता था तो टूट के पड़ते थे किसी प्रकार के बहुत इसीलिए आज इतना जनसलाब उमड़ा हुआ है। हाँ, इतना जो है बहुत बड़ी क्षति है मित्र पंचायत और हमारे सोनवलिया ग्राम के लिए और सोनवलिया ग्राम का जितने भी उनके चाहने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये सुन करके आज शोक की लहर दौड़ी है, इतना जन समूह इकट्ठा हुआ है उसमें, इसे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल अभी पांडे जी ने कहा उनके समर्थन है बहुत बड़ी अच्छे से कहा। आगे बढ़ने पर जैसे रूट पीछे रूट पे दो स्कलन टाइप का नहीं होता है पीछे रूट बैठ जाता है। हाँ भस जाता है फंसा हुआ है वहाँ से चुपस गया है दिखाई नहीं देता है उसी दिखाई था जो चक्का गिरा है ना चक्का टूटा है और पूरा ऐसे दो लट के सीधे नहर गंडक नहर में गिर जाती है। आपके चाचा थे जी कितने भाई आपके पापा जी? पापा जी तीन भाई थे पापा जी बड़े और चाचा जी डेथ कर गए। अच्छा वो भी डेथ कर गए? अच्छा वो भी एक्सीडेंट से डेथ किए थे तीन नंबर थे। बताइए सलमान। देखिए ये लोग श्रद्धा क्रम से आ रहे थे और काफी सामाजिक व्यक्ति थे दिनेश सिंह चाचा जी, और कहने का मतलब है कि आप लोग सेना में जो शहीद होते हैं उतना भीड़ आप लोग नहीं देखेंगे, लेकिन एक आम इंसान दियरा में रह के लगभग इनका ऊँ का खेती 80 बीघा के आसपास होता था, 30 बीघा तो सामाजिक व्यक्ति इनका ऊँ खा जाते थे फ्री में, बोलते नहीं थे, तो बहुत सामाजिक थे। आप लोग भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कितने अच्छे इंसान थे ये। तो उनके लड़के सभी लड़के मेरे मित्र थे, साथ में पढ़े थे, विपुल जी हैं या विनायक जी हैं, ये सभी मित्र थे। लेकिन क्या कहिएगा, दुखद घटना है। एकाएक ये लोग श्राद्धा क्रम से आ रहे थे, गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जो यूपी से जो नहर आती है राजापुर होते हुए मदारपुर मसरख से जो क्रॉस करती है तरैया होते, उसी के बीच में एक 40 फुट पुल पड़ता है, वहाँ पे इस तरह का हादसा हुआ और हम लोग ने एक कीमती शख्स को खो दिए हैं समाज में। बैकुंठपुर गोपालगंज के लिए एक बड़ी बड़ी दुखद समाचार है। देखिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं भीड़ से भी किस तरह के इंसान थे, जिस प्रकार से भीड़ जुटी है इस बारिश के मौसम में भी सभी लोग आए हुए हैं, दिनेश चाचा जी का, उनके साथ में रहने वाले सभी, जो 4-5 लाश जो एक साथ में है, 3 तो यहीं पे अंतिम संस्कार हो रहा है और 2 लाश दूसरे जगह में हो रहा है, तो बहुत दुखद है। ठीक है, फिर आप लोग भी इनके महान आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें और कोशिश करें कि आप लोग भी सेफ्टी से चले रास्ता में। और कहा जा रहा है कि गरीबों को मसीहत, बिल्कुल मसीहत है। आप लोग देख सकते हैं औरत लोग यहाँ की बकरी भैंस चलाने वाली आ रही थी तो उनको रो रही हैं, तो आप अंदाजा लगाएंगे घर परिवार के सदस्य के अलावा पूरा ग्रामीण जनता दुखद है, रो रहे हैं, तो काफी उससे तो आपको क्लियर फाई हो जा रहा है किस सख्त के इंसान थे। ठीक है, इसको लेकर के पूरे गांव में बिल्कुल मातम। ये ले लिया जाता है उधर से निकलने के लिए।
मुन्ना भैया है, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया। तो और लोगों से भी हम बात करने के प्रयास करेंगे, और सिधौलिया प्रखंड के मुखिया अध्यक्ष हैं मुन्ना कुंवर जी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। लाइव है हम, क्या कहिएगा इस घटना को लेकर? बहुत ही दुखद घटना है। तो पर अभी तक तो ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किसकी गलती है। हमको तो लग रहा है कि सड़क की जो वहाँ गड़बड़ी है, बिल्कुल इसी वजह से ये जहाँ तक हम लोगों को सुनने को मिला है ये घटना हुई है, रोड एक्सीडेंट हुआ है। बाकी अब जांच पड़ताल होगी तो सब क्लियर होगा। आप चाहते हैं, लेकिन हम एकदम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और शोक संतप्त जो परिवार है उनके प्रति हमारी संवेदना है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि उन लोगों को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए, और उन लोगों के परिवार के किसी भी एक सदस्य की नौकरी जरूर सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग होगी। आप मांगे आपके ही सरकार से, क्योंकि आप जेडीयू के? एकदम एकदम, इसकी जांच का विषय हो, सरकार किसी की भी हो जांच होनी चाहिए। जांच होता है तो दोषी पर कार्रवाई भी हो, सुधार भी हो, और सरकार से हम अपने सरकार से मांग करते हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए इन लोगों को। ये मुन्ना कुंवर जी थे जो कि करसघाट पंचायत के मुखिया हैं, और मुखिया ही नहीं सिधौलिया प्रखंड के ये मुखिया अध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो जो सड़क पे नहर का जो गंडक नहर का जो सड़क है वो जगह जगह पे टूटा हुआ है, और टूटने के बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो ये स्पष्ट ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही, अगर गड्ढा था तो गड्ढा भरा क्यों नहीं गया। जब बरसात होता है गंडक के नाम पे बहुत सारा उस पे फंड भी पास हुआ होगा, ऐसा नहीं है, हालांकि हम कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारा फंड उस पे पास हुआ होगा भराई के नाम पे। लेकिन वो अगर भराई नहीं हुआ था, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा सवाल, अगर सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहले कोई किया है, तो हमने काफी लोगों से बात किया, तो मुन्ना भैया ने किया है इस सवाल को, इस प्रश्न को उठाया है कि उस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और साथ में इनके जो जो परिवार के एक एक सदस्य होया है उस परिवार के एक एक सदस्य का मतलब गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, और साथ में मुआवजा जो होता है 4-5 लाख जो रुपया होता है वो मिलनी चाहिए। इसके बाद तमाम लोग है, देख सकते हैं जन सलाब उमड़ पड़ा है, और सभी का एक ही कहनाम था कि दिनेश जी जो थे बहुत ही नेक इंसान थे, और दिनेश जी के साथ जितने लोग मतलब आज आए हुए हैं सब लोग उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। और दिनेश जी ही नहीं, 5 लोग थे उस गाड़ी में, जो नहर में जो गाड़ी गिर जाती है अचानक 9-10 बजे के करीब में, टाइम हालांकि कंफर्म नहीं है, जो शख्स उसमें से बच के निकले हैं उनको तैरने नहीं आता। देखिए ये भी बहुत बड़ा सवाल है मुन्ना भैया, जो शख्स उसमें से मतलब बचे हैं उनको तैरने नहीं आता है, जो लोग 5 लोग थे उन लोगों को तैरने आता था, इस पे क्या कहिएगा? ये भी सवाल है। ये तो भगवान का महिमा है, उनके आगे तो किसी की नहीं चलती है। उनको मंजूर था अभी उनको इस दुनिया में रखना था, वो हैं, और जिन लोगों को तैरने आता था वो भी नहीं तैर पाए। किस परिस्थिति में उनका कैसे वो डूबे कैसे गिरे तो अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, जांच में होगा, लेकिन वो भी एक दैवी की गुण है, भगवान की ही कृपा है, भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती है। बिल्कुल, कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहते थे भाई? दिनेश सिंह का दियर का जैसे शेर कहते हैं लोग। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार मेहरा। मेहरा? यस। ये सचिन मेहरा जी हैं, जैसे बता रहे थे कि दिनेश जी तो दियरा का शेर बोला करते थे, जैसे जंगल का शेर बोला जाता है वैसे दिनेश सिंह का दियरा का शेर बोलते थे। अच्छा, उनका लोग नामकरण किया। यस। क्यों? क्योंकि जितना प्लॉट लग रहा है उसी का 50 बीघा में खुबाता था, उसी के चलते सब गरीब का जैसे धंधा चलता है, जैसे सोहनी रोपनी कटनी वटनी, और मिल में एक नंबर स्थान में जाते थे दिनेश जी। यस, क्योंकि इसके बगल में गम्हारी ग्राउंड भी है, दौड़ लड़का सब दौड़ता है आर्मी वाला, वो इसी का फील्ड है। अच्छा, उन्हीं का? बस ये जो बथान है इसी का, दिनेश सिंह जी का बथान है। मेरा घर गम्हारी पड़ेगा जी। और लोगों से हम बात करेंगे, मंतोष भाई है। ओए, आई या नहीं आई?
मंतोष भाई है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। मंतोष भाई, ये जो घटना है इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी दुखद घटना है, एक साथ पांच पांच लोगों की मौत। उसमें भी ग्रामीणों का कहना है कि जो एक व्यक्ति उसमें से बच गए हैं, अगर वो भी नहीं बचे होते तो शायद इन लोगों को मान लीजिए कि पता चलना भी मुश्किल होता कि भाई स्कॉर्पियो में जो लोग थे वो कहाँ थे। क्योंकि नहर में जब गाड़ी गई है तो उसमें ना वो जो स्कॉर्पियो है वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, जैसा ग्रामीणों का कथन है। तो इस तरह से तो अब देखा जाए पूरे जो ग्रामीण है पूरे गाँव में एक चीख चित्कार मचा हुआ है, और सभी लोग तो देख ही रहे हैं, सभी की आंखों में आंसू है। तो अब क्या कहा जाए इस घटना के बारे में? एक तरह से कहा जाए तो एक कुदरत का बहुत बड़ा कहर है यहाँ पे, और बिल्कुल बिल्कुल। और देख रहे हैं पांच परिवार है, और इसमें मुझे सुनने में आ रहा है कि एक नाबालिग लड़का भी है, और दो लोग जो 13-14 साल का लड़का भी है, और ये लोग शायद कहीं अपने ससुराल से आ रहे थे। अच्छा, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। अब इस घटना को लेकर हम क्या कहेंगे ज्यादा? सभी की आंखों में आंसू है, सभी की आंखों में आंसू है। और सोनवलिया जो गांव है वो आज मातम में पूरी तरीके से, कल 24 तारीख की घटना है, 25 तारीख को हम लोग यहाँ पे शमशान घाट में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे तीन लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है एक साथ, और दो लोगों को शायद अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है। तो ये चार मानी थोड़ा सा के अंतर का जी, चार आदमी एक तीन आदमी के तो एजी मान लीजिए होता है, एक आदमी का होने का ही होता है, एक आदमी का शायद होने नेचवा का और देखनी है ऐसा, एक डेढ़वा के एक आदमी हमें बांच गोल पूरा मामला में वह के गाँव में बताए हुए है। तो देख ही रहे हैं अंतिम संस्कार चल रहा है, अब इसमें क्या है क्या कर रहे हैं जो पढ़िए ना कुछ जो एक लड़का था वो जो एक लड़का था 14-15 साल का लड़का था, और उसे जो एक लड़का था 14-15 साल का लड़का था, जिसमें पांच हमने डेट हुए, जिसमें एक गम्हारी का था तो गम्हारी वाला बच गए और पांच हमने डेट हो गए, जो जिसको तोड़ने नहीं आता था वो डेट हुआ। जो दिनेश सिंह थे वो डियर का शेर बोला जाता था उसका, जैसे जंगल का शेर बोलते हैं उसे डियर का शेर बोला जाता था, पूरा डियर का सन मर गया। मेरा नाम पड़ेगा सचिन कुमार मेहरा, ग्राम गम्हारी, जिला कपोल का थाना बैकुंठपुर के निवासी। अपनी स्लाइड को हम शेयर करते हैं, और जितने लोग भी जुड़े थे उनसे निवेदन है कि कृपया एक बार आप शेयर कर दीजिए। और ये बहुत ही दुखद घटना है, एक परिवार से परिवार के ही पांच लोग आसपास के ही हैं, और पांच लोगों को एक साथ दुखद एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है, और भगवान मतलब कुदरत का ये कहर परसा है इस परिवार पे। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जैसे सवाल जैसे मुना भैया ने जो मुखिया है उनका भी एक सवाल था कि जो सड़क जो है उसकी मरम्मति क्यों नहीं कराई गई थी, सवाल बनता है और सवाल पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों के साथ हम छोड़ के जाते हैं, जय हिंद जय बिहार।